इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है, ई निकालना है एट एनी पॉइंट ऑफ शॉर्ट डायपोल। इससे पहले हमने दो केस किए कि अगर ये डायपोल है, इस डायपोल के एक्सिस के ऊपर हमने ई निकाला, इसके परपेंडिकुलर ऊपर हमने ई निकाला, इस बार हम ई निकालना चाहते हैं कहां पर, आर डिस्टेंस दूर, ये रहा आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर सेंटर से एट एन एंगल ऑफ थीटा। मतलब जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पे ई निकालें, बीच में कहीं पर भी निकालना चाहते हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, राइट। जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या रखना है, प्लस वन। ये भी क्लियर है, इसको ध्यान से देखना। इसको करने का एक ट्रिक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये आपका डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर। ये चीज क्लियर है, डायपोल मोमेंट जो है वो कहां से कहां, माइनस से प्लस। इस पी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, थीटा के साथ का कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा। जब मैंने पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बना लिए, पी साइन थीटा पी कॉस थीटा, तो उस केस में अब मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, अब मैं कंपोनेंट्स के साथ काम करूंगा। तो अब मेरे पास अब दो डायपोल मोमेंट हो गए, मैंने डिवाइड कर लिया अपना एक्चुअल डायपोल मोमेंट के दो हिस्से, एक पी कॉस थीटा एक पी साइन थीटा। अब मेरे पास दो डायपोल मोमेंट हो गए, पहला पी कॉस थीटा दूसरा पी साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब आगे चलने से पहले मैंने यही किया, ये पी वेक्टर है, पी वेक्टर का एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। एक काम करते हैं अपने रिजल्ट को हमने इससे पहले जो रिजल्ट किया उसको पहले रिवाइज करते हैं। मैंने आपको ये सिखाया था, अगर ये पी वेक्टर डायपोल मोमेंट है, अगर मैं इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर दूं तो ये मेरी एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पे ई का फॉर्मूला 1/4πε2r³ होता है और एक्सियल लाइन पे ई वेक्टर और पी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर मेरा पी वेक्टर इधर है तो ई वेक्टर भी इधर है, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? अब रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहा हूं कैसे, कि अगर ये पी ना होते हुए पी कॉस थीटा हुआ और इस पॉइंट पर मुझे ई निकालना है, तो ये पॉइंट इसके लिए एक्सियल लाइन है, तो पी की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा। एक ही बात है, पी है तो पी आ जाएगा, पी कॉस थीटा तो पी कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक बात बताओ, अब इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट याद करो। इक्वेटोरियल क्या कहता है, कि अगर ये पी है और मुझे ई कहां पे निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ई कहां आएगा, 180 पीछे, डायरेक्शन उल्टी होगी। और अगर ये पी की जगह पी कॉस थीटा हुआ तो ये फॉर्मूले में पी की जगह पी कॉस थीटा पुट कर देंगे, अगर ये पी साइन थीटा है तो यहां पी साइन थीटा पुट कर देंगे। ये रिजल्ट है। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, जो पेपर में आएगा तो आपने यही एक ही डायग्राम ड्रॉ करना, ये वाला बस, बाकी कुछ नहीं ड्रॉ करना। तो ये आपका पी वेक्टर है, ये पी साइन थीटा, ये पी कॉस थीटा, आर डिस्टेंस दूर मुझे ई निकालना है पी पॉइंट पे। सबसे पहले फर्स्ट डायपोल पी कॉस थीटा, पहले पी कॉस थीटा अपना कंट्रीब्यूशन देगा, फिर पी साइन थीटा अपना कंट्रीब्यूशन देगा, फिर दोनों ई के कंट्रीब्यूशन का वेक्टर सम ले लेंगे हम। तो अगर पी कॉस थीटा की लाइन में अगर ये पॉइंट है तो कौन सी लाइन है, ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पी कॉस थीटा के साथ अलोंग आती है, तो अगर ये पी कॉस थीटा तो ये ई एक्सियल, सिंपल सेम डायरेक्शन में कर दिया। और फॉर्मूला एक्सियल का शॉर्ट डायपोल के लिए क्या था, 1/4πε2π/r³, पर 2p नहीं, 2p cos थीटा बाय r क्यूब, क्योंकि p cos थीटा का कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप p sin थीटा की बात करते हो तो p sin थीटा डायपोल के लिए ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, ये देखो ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, तो यानी कि p sin थीटा डायपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल का पॉइंट है। और इक्वेटोरियल के पॉइंट पे P वेक्टर और E वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये P साइन थीटा है तो ये क्या बनेगा, 1/4πε0 P साइन थीटा बाय R क्यूब, मैंने इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा दिया। तो एक्सियल लाइन में डायपोल मोमेंट और E सेम डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक? तो बस इसने ये कॉन्ट्रीब्यूट किया,
इसने ये कंट्रीब्यूट किया, दोनों 90 डिग्री पे आए, तो नेट आंसर क्या होगा? वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन से नेट आंसर आएगा, क्या आएगा? ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर का अंडर रूट, ये रहा, ये आएगा। ई एक्सियल का फॉर्मूला पुट कर दिया, ई इक्वेटोरियल पुट कर दिया, इसमें से कॉमन निकाल लिया, जब कॉमन निकाला तो करेक्शन कर लो प्लीज, ये पी हटाओ, पी ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है बाहर, तो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, पी भी कॉमन आ रहा है, आर क्यू भी कॉमन आ रहा है, तो ये टर्म बच जाती है, पी हटा दो इनमें से, पी ठीक है, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर करके 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ये फाइनल आंसर आएगा आपका। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया एट एनी पॉइंट का, ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं ये पूछूं कि एक्सियल लाइन अगर थीटा 0 है तो पॉइंट पी कहां गिरेगा, एक्सियल पे, थीटा 90 है तो पॉइंट पी कहां पर आएगा, इक्वेटोरियल पे, तो ये देखो वेरीफाई कर लेते हैं रिजल्ट को, तो जो रिजल्ट हमारे पास आया, अगर थीटा 0 है तो मैं अगर इस फॉर्मूले में थीटा को 0 पुट करता हूं, cos 0 1 होता है, तो 3+1 4 का अंडर रूट 2, तो देखो एक्सियल का फॉर्मूला आ गया, और अगर मैं थीटा को 90 पुट करता हूं तो cos 90 0 है, आंसर इक्वेटोरियल आ गया, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब क्योंकि मैंने नेट क्या निकाला, नेट ई निकाला, अब जो नेट ई है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए अल्फा बना लिया, अल्फा का मतलब है कि अगर ये साइड ई इक्वेटोरियल है तो ये साइड भी ई इक्वेटोरियल है, टेन अल्फा क्या बनेगा, ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय ई एक्सियल, तो लिख देना यहां पे टेन अल्फा ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल, इक्वेटोरियल और एक्सियल को डिवाइड करो, ये डायरेक्शन के लिए बस के फॉर्मूला लिख देना, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डायरेक्शन अल्फा।